Assalamualaikum जनाब, Allergy Time में अमीशा और ख्वाजा नजम आपके साथ लाहौर स्टूडियो से। जनाब आपका और हमारा खूबसूरत साथ रहेगा। जनाब दो से चार, आई होप कि आपके दोपहर के पल बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। इन्हें मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म इंडस्ट्री का सितारा लेकर आए हैं और बहुत नाम है जनाब उनका, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन है और बहुत से ऐसे स्क्रिप्ट लिखे, बहुत सी ऐसी बातें, ऐसे अल्फाज जो हैं वो उनके हिट हो गए जिनकी वजह से आज वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाने और पहचाने जाते हैं। सो क्रेडिट गोज़ टू ख्वाजा नजम कि इतने बड़े बड़े सितारे यहाँ पर लेकर आते हैं। मैं तो ये कह रही होती हूँ ख्वाजा साहब अब लाहौर में ठहर जाए। नहीं, बड़ा मुश्किल है। मैं पहले, मेरी जम्पल लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज तक मैंने एमए कैथेड्रल और जीसी से किया है, बट अब वो चूंकि वहाँ पे सेट हो गए तो अब पक्के इस्लामाबादी हो गए। जी वेल, यू गाइस कैन पार्टिसिपेट इन द शो। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और मैसेज टाइप कीजिए। गेस्ट से कोई भी गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप वो टाइप करके भेज सकते हैं 8881 पर। फेसबुक सुनो पाकिस्तान और हमारा मेलोडी टाइम जो लाइव स्टेटस है वहाँ आप लोग कर सकते हैं कमेंट्स और शो का हिस्सा बन सकते हैं। जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज पाकिस्तान इंडस्ट्री का वो सितारा हमारे साथ मौजूद है जिनके बगैर ना तो कोई फिल्म चल सकती है और ना ही कोई ड्रामा चल सकता है, ना ही आप गुफ्तगू का अंदाज आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो लिखते बहुत अच्छा है। जी ख्वाजा साहब, बाकी आप एक्सप्लेन कीजिए। जी देखिए जी, आज जो हमारे मेहमान है ना, मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं ये, मोहम्मद परवेज कलीम साहब, पाकिस्तानी सिनेमा के बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर, जिनके क्रेडिट पे पाकिस्तानी सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। वो तो बाद में बात करेंगे, पहले इनसे पूछेंगे कि कहाँ से तालीम आपने हासिल की, ज़रा बताइएगा स्कूल और कॉलेज। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब, मेरे चूँकि वाले सिनेमा ओनर थे और वो खानेवाल में होते थे तो मुझे उन्होंने सिनेमा यहाँ लाहौर में हॉस्टल में रखा हुआ था। मैं कैथेड्रल में पढ़ता रहा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने, ये तो दोनों मेरे ही स्कूल और कॉलेज है, तो बड़ी खुशनसीबी है कि आप जैसे जयद आदमी के स्कूलों में कॉलेजों में मैं पढ़ता रहा। ये गवर्नमेंट कॉलेज सेकंड ईयर से ही मैं वहाँ से फिल्म में चला गया था। मेरे ख्याल उस वक्त मेरी उम्र जो थी वो 16-16.5 साल की थी। तो शौक़ जी, एक तो फिल्म मिराज में थी कि सिनेमा था वाले साहब का, उन्होंने बॉम्बे में फिल्म भी एक प्रोड्यूस की थी आनंदी। अच्छा, और वो फिल्म मेरे थी खमीर में, वैसे यूँ समझ लीजिए कि आर्ट की तरफ रुझान था शुरू से, बचपन से बचपन से, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, बस कुछ अंदर एक हलचल सी एक कैफियत रहती थी। अच्छा एक बात बताइए, यूजुअली ये होता है कि जब आप सिनेमा में आप जाते हैं या तो असिस्टेंट का काम आपके सपोर्ट किया जाता है क्योंकि डायरेक्टर एकदम आपको फिल्म नहीं, उस जमाने में तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स सारे, उस्तादी शागिर्दी बहुत ज्यादा होती थी और काफी अरसा ऐसा ही चलता रहा, तो आपके साथ भी ऐसा? जी बिल्कुल, मैं जिस वक्त स्टूडियो से मैं एंटर हुआ तो मेरा कोई ऐसा रेफरेंस नहीं था कि मैं ये बताऊं कि जी मैं फला, क्योंकि मैं बाप का नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो नहीं पसंद करते थे इस बात को, वो कहते थे भैया सिनेमा सुनना अपना नाम खुद बनाओ और अपनी पहचान। हाँ, मुझे रेफरेंस नहीं कोई था, बस मैं शानो स्टूडियो मेरा पहला स्टूडियोज है जिसमें मैं एंटर हुआ। अच्छा, तो वहाँ ख्वाजा साहब मेरा तो कोई वाकिफ ही नहीं था, बस ये है कि क्योंकि कपड़े वपड़े अच्छे पहने हुए थे तो बड़े बड़े बाल रखे हुए थे। अच्छा, तो वो मुझे जिस बंदे ने ऐसे इशारे से बुलाया वो एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो एक नंबर फ्लोर होता था शानरूल में, आपने देखा हुआ है? जी मैंने देखा। वहाँ गेट पे वो बैठे हुए थे, मोटी मोटी आँखों वाला एक शख्स, बड़ा पारूप सा, तो वो बैठे हुए थे एक कुर्ता पजामा पहने हुए। अच्छा, भारी भरकम से थे, मोटी मोटी आँखें, बड़े खूबसूरत से। अच्छा, मुझे कहने लगे मियाँ कौन हो तुम? अब मेरा कोई तारुफ होता तो मैं बताता, बस मैंने अपना नाम बता दिया, जी मेरा ये नाम है। अच्छा, क्या करते फिर रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ
मैं कुछ भी नहीं करता फिर रहा सर, मैं स्टूडियो में आया हूँ। कैसे आए हो, किस तरह अंदर आए हो? मैंने कहा जी बाहर गेट पे एक शख्स था, मैंने उसे 25 रुपए दिए और उसने मुझे कहा एक हफ्ता तुम आ सकते हो। आपने सब सच बोल दिया। उस जमाने में 25 रुपए बहुत पैसे, बहुत पैसे अच्छा। थे जी। तो कहने लगे अच्छा तो क्या करना है, एक्टर एक्टर बनने आए हो? वो मेरा हुलिया देख के, मैं कहा नहीं जी। तो क्या बनना चाहते हो? मैं कहा जी डायरेक्टर। अरे मियां बंटक हो गए हो क्या? ये उनकी कंटिन्यूटी थी। बंटक हो गए हो क्या? तो मैंने कहा जी, वो उनका नाम जो था वो चौधरी मोहम्मद रशीद था, बहुत सीनियर सिनेमेटोग्राफर, लाइट पेंटर थे वो। अच्छा। मेरे पहले उस्ताद। उन्होंने मुझे, मैंने बताया तो कहने लगे अच्छा यार मेरे पास डायरेक्टर, डायरेक्टर के पास जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवा दूंगा। तो लेकिन उतना अरसा यह है कि एमए फारिग ना फिरो ऐसे ही। अच्छा। तुम ऐसे करो कि तुम मेरे साथ कैमरे पे थोड़ी देर काम करो, तुम्हें डायरेक्शन को थोड़ा पता आइडिया तो हो जाए। उन दिनों अजहर बरकी साहब की एक फिल्म लहू पुकारेगा बन रही थी। उस फिल्म में मुझे संतोष साहब थे ना उसमें। जी हाँ जी हाँ जी, मैंने देखी है। तो उस फिल्म में मुझे एज ए प्रिंटर्स असिस्टेंट जो है वो मौका मिला। मैं कुछ नहीं करता, बस तारें बारें लपेटता था। अच्छा। या तार पकड़ लेता था, कैमरा जब ट्रॉली पे होता है तो तार साथ साथ मूव करनी होती है। तो उन दिनों में ऐसे बहुत सारे मामला थे, तो वो मैं हाथ में लेके तार, बस ये मेरा काम था। दो चार दिन के बाद, पांच दिन के बाद एक ऐसा मौका आया, मैं देखता तो रहा। अल्लाह, ये भी मेरा ख्याल है कुछ बस ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई शख्स जो है वो उसका ऑब्जर्वेशन इतना मुशाहिदा हो, ये मुझे भी नहीं पता। लाशौरी तौर पर मैं देख रहा था ट्रॉली कैसे चलती है, कैसे मूव करती है, लड़का कैसे उसे लेके जाता है। तो एक गाना, उस दौर की एक एक्ट्रेस थी, शायद नसरीन थी, उन पर गाना पिक्चराइज हो रहा था। अच्छा। बड़ी खूबसूरत थी वो, इतनी हसीन औरत हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शायद कोई खाल खाल। अच्छा। कोई एक आध हो तो हो, हाँ जी ने कोई था ही नहीं ऐसी। वादा में भी थी मेरे ख्याल में वो सबिया के साथ, है ना? तो वो जी, तो वो उन्होंने एक शॉट था कि ऐसे ट्रॉली जो है वो ऐसे पहले ऐसे है फिर रिवॉल्व करती है ऐसे क्रॉस और इस तरह सेंटर हो जाता है। अब वो लड़का वो लय में एक नहीं चल रही थी। अब ये नहीं कि वो लड़का ना लायक था, बस किसी वक्त नहीं होता। तो मुझे उन्होंने झाड़े वाड़े डाली उसको। उस दौर में उस्ताद जो थे वो बड़े सख्त हुआ करते थे, आज की तरह के नहीं। आज तो खैर शागिर्द सुनते नहीं है, उस्ताद कहते नहीं है। तो वो ख्वाजा साहब, मैंने जिस वक्त वो शॉट ऑपरेट किया, यानी मुझे, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि जनाब मैं, तो उन्होंने कहा तुम कैसे करोगे? मैं कहा जी कोशिश करता हूँ। सही, चल बे चल, एनो भी चांस दो। लो जी, वो मैंने ऐसे ट्रॉली को जो है वो ऑपरेटिव तो ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन वो लाइट डीओ पे थे। सही। तो उन्होंने जब स्टार्ट हुआ और मैंने उसको लय में ट्रॉली को फर्स्ट शॉट हो के हो गया, ये मेरी मेरा कामयाबी। और ये कह लीजिए कि मैं कभी याद ना होता शायद उन्हें, उन्हें ना याद होता अपने उस्ताद को ही। सही। लेकिन उन्हें बस थोड़ा सा मेरा ख्याल आ गया कि यार ये बच्चा तो इसमें तो है, करंट है। बस उसके बाद मैंने कोई तकरीबन 8-10 महीने उनके साथ काम किया। तो फिर मुझे एक आर्टिस्ट थी उस दौर में, बुजुर्ग आर्टिस्ट थी, उन्होंने मुझे कहा कि तू की बनना चाहना। अच्छा। मैं कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, और क्या करते हो? मैं कहा लिखता हूँ, बस शुरू से लिख रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जो है वो मियां हनीफ कारदार, एक हमारे डायरेक्टर बड़े पुराने और बड़े जहीर डायरेक्टर थे, अल्लाह ऐसे लोग फिर से आए, तो उनके हुजूर मुझे कह के तुम काम करो। उनके साथ मैंने एक फिल्म असिस्ट की। सही। उनके साथ में वो मुझसे बहुत प्यार करने लगे। फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि जब उनकी फिल्म करीब अख्ताम हुई और एडिटिंग टेबल पे गई,
तो एडिट हो गई, तो अब उसका बैकग्राउंड वगैरह होना था, तो मैं थोड़ा सा फारिग महसूस कर रहा था खुद को, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। जी नहीं, मैंने आगा हुसैनी साहब को ज्वाइन कर लिया जी। अच्छा, मैं कहा जी आगा हुसैनी साहब को। आपने उनको मेरे ख्याल 5 साल असिस्ट किया। जी हाँ, तो उनको असिस्ट किया। इस खूबसूरत सी जो कन्वर्सेशन है इसको मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम एक ट्विस्ट देते हैं, एक खूबसूरत सा ट्रैक जो कि मैं चाह रही हूँ। इन्हीं की लिखी हुई फिल्म, बिल्कुल मुझे चांद चाहिए, और उसका एक गाना जान भी दे दूं, साइमा जहां ने गाया है। मेरे ख्याल इससे प्रोग्राम का अच्छे गाने का। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, और सुनते हैं जनाब, दिस इज अ वेरी रोमांटिक नंबर, आई होप दैट यू विल लव इट। जान भी दे दूं तू कहे तो जाने जाना। And it was a very beautiful number. I hope कि आप लोग दोपहर के इस पल में जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, अगर गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं तो खैरियत से सफ़र कीजिए, और खैरियत से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। और आज आपके लिए जनाब लाहौर स्टूडियो में सुना FM 89.4 की जानिब से एक ऐसा सितारा मौजूद है जनाब, और इनको हम वार्म वेलकम कहते हैं। हमारे साथ परवेज़ कलीम है, मोहम्मद परवेज़ कलीम, जो कि पाकिस्तान इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, और ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री से क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, आज ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जनाब। ओवर टू ख्वाजा साहब की। जी अच्छा, आपने जिससे नाम आपका बना है ना, दो फिल्में, एक तो गुना 1990 और बुच्छेकन 1994, तो आप बताइए कि ये कैसे हो यहाँ तक। जी कैसे, बड़ा एक अजीब वाक्या है गुना के हवाले से। नज़रुल इस्लाम साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े, बहुत मैं समझता हूँ उस्तादों में शुमार होता हूँ उनका, हमारे भी जी। और इतना अच्छा कैमरा जैसे वो रखते थे, वो तो हमने इंडिया ने बाद में रखा है, ये ऑनेस्ट गॉड कोई पार्शल होकर बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे, जब आदमी कोई हिट हो जाता है तो फिर वो आपको बाजारी हुसन से मुझे, मैंने आगाज़ किया था मोहम्मद सरवर भट्टी साहब की फिल्म, मेरी जात के कोलंबस हैं, तो उस फिल्म के बाद एक दफ़ा बहुत मसरूफ था उस वक्त, मैं मतलब ये आलम था, 8-8 फिल्में 6-6 फिल्में कर रहे थे। अच्छा, तो नज़रुल इस्लाम साहब का दफ्तर था अहबाब हबीब जालिब, एक दफ्तर कॉर्नर में था उनका, तो वहाँ वो एक फिल्म जो है शायद कोई बना रहे थे, तो वहाँ से निकले लड़के उनके साथ थे असिस्टेंट, मुझे देखा तो कहने लगा, कलीम मुझे एक अच्छी कहानी चाहिए। नहीं, अच्छा वो कह के गुजर गए, मैं अपने काम को चला गया। अच्छा, यू डिड नॉट बॉदर कि पता नहीं कौन है क्या है कैसे। देखिए मैंने सुना जरूर, इसलिए कि वो बड़े आदमी थे, और सच्ची बात है कि सच मुझ के बड़े आदमी थे, तो मैंने सुना, लेकिन बस बॉर्डर इसलिए नहीं किया, तो काम बहुत था, भागा फिर रहा था, तो मुझे कहने लगे, अब 10 दिन के बाद मुलाकात होती है, इसी तरह ही फवारे से उतर रहे। अच्छा हाँ, मैं तुमको बोला कि तुम मुझको एक अच्छा सा फिल्म नया बना आइडिया दो, तो तुम कुछ किया। मैंने कहा दादा बात सुनिए, आप भी प्रोफेशनल हैं, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, ये राहदारियों में चलते हुए आपने कह दिया और मैंने सुन लिया, मैं तो मुझे तो नहीं याद रहा। अच्छा। और एक प्रोफेशनल तरीकाकार होता है किसी राइटर को हायर करने का, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तुम पैसों की बात कर रहे हो? मैं कहा जी मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। अरे भाई सब मिल जाएगा, जो कहोगे उससे डबल ले लेना, मुझे अच्छा आइडिया बना के दो, ये संडे नेक्स्ट जो है इसको तुम मुझे मिलना है तुम्हें। मैं कहा चले, बुजुर्ग आदमी हैं, बड़े हैं, मैंने सोचना शुरू किया, ख्वाजा साहब मुझे, उन्होंने कहा नया, वो मैं थोड़ा सा ना, मैं नया तो आपको पता है दुनिया में कोई नई बात तो है नहीं, हाँ बस सोचना मैंने शुरू किया। ठीक, यकीन कीजिए जुमेरात की रात आ गई, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा, और आपने सैटरडे को मिलना है? हाँ जी, मुझे संडे को मिलना है, संडे को मिलना है। तो मैंने संडे, जिस दिन शायद सैटरडे था, उस वक्त तक मैं एम्प्टी था। ओ माय गॉड, रात को अल्लाह पाक ने मुझे सोचते सोचते एक तहरीक हुई मुझे। मैं एक फिल्म देख रहा था ग्रेजुएट, ठक से मुझे एक तहरीक हुई, मैंने कहा अगर इसको इस तरह मैं करूं तो ये तो नहीं हो जाएगी।
ये मैं ऑनेस्टली आज पहली दफा ये बात बता रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम में कि मैंने उस रात में एक पेपर पे, हमारा एक तरीका होता है, हम लाइनर बनाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव वन लाइनर बनाया। मैंने कहा चले, अगले दिन टाइम था मेरा उनका 6 बजे का, 6 बजे शाम मैं जब गया तो बड़ी बारिश थी, मेरे पर उन दिनों मेहरान गाड़ी हुआ करती थी, उसे मेरे स्क्रिप्ट लदे होते थे, बस इस तरह की चीज़ें पड़ी होती थी, एक रद्दी का एक वो पूरा एक बाजार लगता अच्छा, था अच्छा। वो मैं ले जाके उसको मैंने शेड में खड़ा किया कि भाई कि मेरी भीड़ ही ना जाए सारा कुछ। अंदर गया मैं तो आगे उनके एक एक गोल मेज थी छोटी सी, कोई 5x5 की गोल होगी वो, उसके ऊपर एक शैंडल लगा हुआ था सीपियों का, उस पर लाइट लग रही थी, आप यकीन कीजिए इतना आर्टिस्टिक मुझे लगा कि मेरा जैसे मूड नहीं बन जाता बंदा। ओह माय गॉड। उन्होंने खैर अपने मशरूबात जो हैं वो सर्व किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट सुनाओ तो फिर खाना खाएंगे। मैंने खाना बनवाया, मैं कहा अच्छा जी, वो मूड बन गया, मैंने उनको वो कहानी सुनानी शुरू की। ऑनेस्ट टू गॉड वो वन लाइनर मेरा ख्याल है अगर कोई बंदा दिल से ना सुनाए तो 15 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म हो सकता है। अच्छा। मैंने 1.5 घंटा अंडर एट किया उसको। वो कहानी कौन सी थी मैं बताने लगा अच्छा, यही सस्पेंस होगा। अच्छा, अच्छा। तो वो कहानी मैंने उनको सुनाई तो वो ऐसे बैठे रहते थे मुझे देख रहे हैं, हाँ नहीं ना नहीं, बुरा है नहीं, अच्छा है नहीं। अच्छा। दांत फरियाद ही कोई नहीं, मैं इतने एमोशन से मैंने सुनाया कि ये थोड़ा आपको मतलब कंफ्यूजन तो होगी होगी कि क्या हो गया है? हो गया, फायदा कंफ्यूजन हुआ, मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, ये ना हाँ ना ना, क्या मसला है बता नहीं रहे, एक्सप्रेशन भी नहीं आप समझ पा रहे, कुछ नहीं पता चला। हाँ। एक फिक्स एक्सप्रेशन है। मैं उनको देखता रहा, ख्वाजा साहब तो देखने के बाद मैंने आखिर मैं ही बोला, वो नहीं बोले। अच्छा, मैं कहा दादा बुरी लगी है तो बुरी कह दीजिए, अच्छी लगी है तो अच्छी कह दीजिए। नहीं करीम, ये इस सोसाइटी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती। अच्छा, नया है बट डाइजेस्टिव नहीं है। मैं कहा दादा आप किस लिए हैं? आप जैसा बड़ा आदमी अगर से शुगर कोटेड नहीं कर सकता तो फिर कैसे होगा ये? सही, मैं तो आप पे बड़ा बिलीव करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा 3 फिल्में पीछे फ्लॉप हो गया है, देखो मेरा हाथ ठंडे हैं। आप समझ गए ना, आप कंफ्यूज, जब कोई अल्लाह ना करे किसी की फिल्म फेल हो जाए, फिल्म बताइए ना प्लीज। राजा साहब को इतना लंबा हमने अगला गाना मरे जी। अब वहां से मैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं उठा, कहने लगा कुछ और सुनाओ। मैं कहा सॉरी दादा मेरे पर कुछ नहीं है, मैं चल पड़ा। मैंने टर्न किया, मैं कहा दादा ये बताइए इस फिल्म को बनना चाहिए? कहते हाँ, कोई पागल बना सकता है। अच्छा, कोई जुनूनी बना सकता है। मैं गाड़ी में बैठा, बारिश हो रही थी, मैंने कहा मुझसे बड़ा पागल तो अभी एशिया में पैदा ही नहीं हुआ। मैं तो और भागने वाला आदमी हूँ और सिमत चलने वाला आदमी हूँ। मैंने जनाब पिक्चर जो है अनाउंस की अगले दिन, उसका नाम था गुनाह। ओह माय गॉड, 1990 की फिल्म थी वो, अनाउंस की और उसको मैंने 90 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाया और आउटस्टैंडिंग, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। देखिए फिल्म हिट हो जाना ख्वाजा साहब, मैं समझ बिल्कुल भी बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा जी, अब एक ब्रेक लेंगे मगर गाने की, वो ये है कि आपकी एक फिल्म जो आपने लिखी थी जिले शाह, उसका गाना पिपलान दी छा जी प्लीज जी जाएंगे। तो इतना खूबसूरत गाना है ख्वाजा साहब, वाकई ये जो दोपहर का पहर होता है इसमें पिपला की छांव बहुत जरूरी है। सो बैठते हैं जनाब पिपला की छांव में। सो आते हैं वापस राइट आफ्टर दिस। ऑलराइट जनाब, आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम, अमीशा और ख्वाजा नजम के साथ लाहौर स्टूडियो में। जनाब इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मोहम्मद परवेज़ कलीम, और जनाब इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताती चलूँ किस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 8881 पर। फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/sunopakistan और मेलोडी टाइम
लाइव स्टेटस पर आप लोग कमेंट्स करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, वैसे यूजुअली क्या होता है ख्वाजा साहब कि जितने भी बड़े नाम हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये होते हैं कैमराज के पीछे, तो बहुत कम लोग जो ऑडियंस में से बहुत कम लोग होते हैं जो पहचान पाते हैं जब ये लोग पर्दा स्क्रीन पर आते हैं ना, या फिर इनको रेडियो पर सुना जाता है, तो ये जो एक चीज़ एक कसक रह जाती है कि यार मैं जब सामने जाता हूँ तो उस तरह का स्टारडम जिस तरह मेरे लिखने से या मेरी बनाई हुई फिल्म से जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक आम सा बंदा उठकर बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है, एक आम सी लड़की जो है वो हीरोइन बन जाती है, तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ जब जाता हूँ तो मुझे सिवाय उन लोगों के जो उस शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता है, सिवाय उनके बाहर के लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैं जवाब दूं जरा उन्हीं की सपोर्ट में। वो इस तरह है कि इन्होंने नए फनकारों को लॉन्च किया। सऊद का नाम सुना होगा आपने, फैसल कुरैशी का नाम आपने, सीमी जैदी का नाम आपने सुना होगा, कुबरा खानों का, इतने बड़े बड़े नाम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, इनको तो कोई जरूरत नहीं किसी को कहने की मैंने ये काम किया। तो अब आप देखिए कितने बड़े नाम है, जरा बताइए आप खुद। देखिये खैर साहब, ये नए स्टार तो इस कॉन्फिडेंस से लिए जाते हैं कि क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि ये परफॉर्मिंग आर्ट क्या है। ये ही फुकदान भी रहा है यहाँ, अक्सर आपने ही ने कई दफ़ा बात की है कि लोगों ने नए स्टार्स को प्रमोट नहीं किया, उनको कोई ऐसा मौका नहीं दिया। लेकिन मेरे जिन एक दो का बंदों ने किए हैं, ये नहीं है कि कोई, बहुत से शबाब साहब किया करते थे और यहाँ हमारे हैं लोग, लेकिन दो तीन आर्टिस्टों के बाद कोई ऐसा नहीं हुआ, नाम खत्म हो जाते हैं। तो मैंने 9 आर्टिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिए, और इस यकीन से कि जितनी मुशक्कत मैंने की वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, वो एक लंबी बात है। खैर, नए आर्टिस्ट जो मेरा अपना जाती जो तारुफ कि मैं कैसे मुतारिफ हुआ लोगों से, एक तो जब तक आपकी फिल्म कामयाब नहीं होती या फिल्म कोई अच्छी नहीं होती, कामयाबी भी ठीक है लेकिन फिल्म का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, तो वो अल्लाह ने कुछ किया और मीडिया ने मुझे, ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि मीडिया ने मुझे मुतारिफ नहीं कराया, मुझे हर किसी ना किसी चैनल पर कहीं ना कहीं बैठ जाने का मौका मिला, मैंने बात की, और अक्सर जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं भी हुई तकरीबन मुझे वहाँ भी बुला लिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग कि चलें कम से कम बातचीत कुछ हो जाएगी, कोई बात लोगों तक पहुँच जाएगी। सही। फिर फिल्म मैंने सिर्फ सीखी नहीं, सिर्फ उसमें काम नहीं किया, मैंने फिल्म को ऑब्जर्व किया और मैंने अपने इर्द गिर्द आँखें खुली रखी, समातें खुली रखी। मुझे मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ फिल्म का जी, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे नहीं जानता और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा। हुआ ये कि उसकी वजह सिर्फ खुली आंखें और समातें, बस और कुछ भी नहीं, चेहरे भी पढ़ता रहा, क्योंकि काम लिखने का था और लिखने वाला अगर साइकाइट्रिस्ट ना हो तो मैं नहीं समझता। एक बहुत बड़ा टैलेंट। अच्छा, इनका प्लस पॉइंट देखो ना, मजे के डायरेक्टर तो हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। अब शान की फिल्म इन्होंने लिखी, अच्छा उसके बाद एक और फिल्म इनकी बड़ी अच्छी है जिसका एक गाना मैं लगाने लगा हूं, जन्नत की तलाश एक फिल्म थी और आसिफ मेहदी का एक गाना था और वो भी फराज की गजल थी, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। इतनी खूबसूरत फिल्म कम लिखी जी। तो मेरे ख्याल चलते हैं जनाब इस गाने की जानब, और सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल नंबर, आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम अमीशा और ख्वाजा नजम के साथ। आज सुना FM 89.4 के लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसे स्क्रिप्ट राइटर जिनके बगैर फिल्म अधूरी है, फिल्म नामुकम्मल है। अगर ये ड्रामों की तरफ आएँ तो ड्रामे की जो स्क्रिप्ट लिखने का अंदाज़ है वो एकदम उसको फैंटिसाइज करके और खूबसूरत बना देता है। लिखाने की बात, मतलब लिखने लिखाने की बात अगर हम करें तो इसमें इतना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं लेते हैं कि ये टाइम टेकिंग है, तो लिखने लिखाने में जब और ऊपर से आमद भी बहुत ज़रूरी है, तो आप किस तरह से इस चीज़ को मतलब घंटों बैठना एक फिल्म के बारे में सोचना फिर उसको लिखना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल है शायद ये कोई
इनका खमीर, ये जो कलमकार लोग होते हैं इनको कोई स्पेशल अल्लाह मियाँ को अलहदा से कुछ सिलसिला करके बनाते हैं, उनको उतना जब्त देते हैं, उतना सब्र देते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही अजीब काम है। देखिए जब मैं डायरेक्शन कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ 26 शोबे और होते हैं, बिल्कुल सही, जो मेरा हाथ बटा रहे होते हैं, लेकिन जब मैं लिख रहा होता हूँ तो करतास और कलम का जो फर्क है वो एक नोक पे होता है। और आप यकीन कीजिए कि नबियों पे, पैगंबरों पे नजूल होता है, फनकार पे आमद होती है जी, तो वो जो आमद है उस आमद से ही लिखा जाता है, जुमला तख्लीक होता है, तो तबीयत जो है वो अगर खुद मायल ना हो तो यकीन कीजिए कि सीन में अगर एक या दो ऐसे जुमले ना हो जो लोगों तक पहुंचे और क्लिक कर जाएं और वहां पे ठनिया और चवनिया ना चले और तालियां ना बजे। तो या हमारे यहाँ चूंकि हमारी फिल्म जो थी ना अगर साहब, वो बुनियादी तौर पे एक मुद्दत आगा हशर के थिएटर में गिरफ्तार रही है, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि इस दुनिया में, इस बरे सगीर में एक ऐसा आर्टिस्ट भी आया जिसने रियलिस्टिक सिनेमा की जो है बुनियाद रखी, उनके नाम था दिलीप कुमार जो इंतकाल कर गए हैं, और मैं अपने प्रोग्राम में उनका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे लिखने में भी दिलीप कुमार है। ओह माय गॉड, वाओ, मैंने तो काम किया, मैंने शो किया उनका। जी जी, आई नो आज इस्लामाबाद में आपने शो किया, तो मेरी मुलाकात बॉम्बे में भी हुई और यहाँ शौक हुसैन रिज़वी साहब के घर में भी बताया। यह है कि मैं सिर्फ ये लिखने का, देखिए ना लिखने का तो कलमकार कोई बंदा, मेरे उस्ताद हैं आरिफ अब्दुल मतीन साहब जी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और फिर पढ़ा। क्या कहते हैं कि वो एक नुक्ते का फर्क जो है, वो कहते हैं कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। अच्छा प्रवीण साहब, एक बात मैंने आपसे पूछना चाहता था, क्या कभी ऐसा हुआ अपने फिल्म बना रहे हो और वो डब्बों में बंद हो जाए? जी मेरी तीन फिल्में, अच्छा तीन फिल्में मेरी डब्बों में बंद, इंसान हिम्मत नहीं तोड़ते? नहीं सर, हिम्मत तो टूटती है, लेकिन चूंकि होता यह है कि जब आप, अब देखें ना मेरी 200 फिल्म्स हैं कम से कम जो मैंने लिखी हैं, कुछ 20-22 फिल्में हैं या 19 हैं या 20 हैं जो मैंने डायरेक्ट की हैं, तो मुझे इससे कोई इतना वो जोर नहीं पहुंचा। हाँ, अपनी मेहनत के आकार चले जाने का दुख हर एक को होता है, लेकिन मैंने एक मेरी फिल्म है जज्बात जी जी, जो मेरी कंप्लीट फिल्म है वो रानी, और एक मैंने नया स्टार लिया था वो और गुलाम मुहिद्दीन वगैरह थे उस फिल्म में, वो एक आर्ट फिल्म थी, पहला सिनेमा की फिल्म थी, और वो फिल्म जो है वो तैयार हो के एक डिस्ट्रीब्यूटर कराची की वजह से वो बंद हो गई। अच्छा, कंप्लीट थी, कंप्लीट सेंसर हो गई। उसको क्यों नहीं टेलीविजन वगैरह के प्रीमियर? मैं बताता हूँ उसकी बहुत सारी वजूहत, वो भी लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, उसके जो प्रिंट है हमारे स्टूडियोज में प्रिजर्व करने का कोई वो नहीं, वो नहीं मुझे है। पता है। वो हमारा, अब देखिए 1980 में मैंने वो बनाई थी, अब उस फिल्म के प्रिंट की जो है ना, मेरा ख्याल है वो शायद मेल्ट हो गए लेट 80s में ना। हाँ जी, जज्बात जो थी जी, जज्बात मुझे याद है। तो तैयार फिल्म थी, रॉयल पार्क में बहुत बड़े बोर्ड फोर्ड भी उसके लगे हुए थे। अब देखिए कि उसके बाद एक फिल्म और थी जो मैं कराची में, अभी कोई मेरा ख्याल है 15-16 साल हुए हैं, मैंने कराची में एक फिल्म यही तो प्यार है के नाम से नदीम और शफी मोहम्मद को लेके शुरू की, और बड़ी ज़बरदस्त एक नया स्टाइल था नदीम का, एक दादा का रोल वो कर रहे थे एक बदमाश का, और शफी मोहम्मद उसमें एक वजीर तालीम है और अनपढ़ है, वो एक एंटरटेनिंग भी था। मज़े की बात देखिए कि पिक्चर की 22 दिन की शूटिंग मैंने डे नाइट की, और तकरीबन 54 सीन्स हो गए, 30 सीन्स बाकी रह गए, तो शफी मोहम्मद फौत हो गए। जी हाँ, ऐसा तो होता है, बंद हो। अच्छा ये बताइए कि एक फिल्म थी पल दो पल जी, आपको याद होगा, और आपकी बहुत अच्छी दोस्त और मेरी भी मैडम शमी मारा जिन्होंने डायरेक्ट की थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ख्वाजा साहब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मेरी 50 साल जो है नेक्स्ट सेंचुरी कंप्लीट हो गई है, मैंने हैं और भी हैं लेकिन उनसे कम, इतनी डिसेंट औरत मेरी जिंदगी में नहीं आई। मैंने उनके साथ मैंने इतनी खूबसूरत, वो तो वैसे तो खूबसूरत थी जी जी, लेकिन दिल की नहीं जी वो, मैं उनके बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने उनसे डिसेंट औरत कोई देखी नहीं है। इतनी शुस्ता, इतनी तहजीब याफ्ता, इतनी ह्यूमन बींग, इतनी लाजवाब, क्या बताऊं। तो क्यों ना उनकी फिल्म पल दो पल का
एक गाना जो खान साहब ने ही गाया और कंपोज भी उन्होंने किया, खान साहब ने वो गली बिच कोई कोई, मैं माफी चाहूंगा खान साहब को, मैंने ये पहली फिल्म है जिसकी कहानी भी सुनाई थी, वरना खान साहब कहानी सुने बगैर म्यूजिक नहीं देते, नहीं करते थे जी। और ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि उन्हें कहानी भी मैंने सुनाई और उन्होंने पल दो पल का म्यूजिक दिया। कितनी खूबसूरत बात है जनाब, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि ये गाना जो है मेरे लिसनर्स सुने। और जनाब आप, आपको ये बताती चलूँ कि ना सिर्फ आप सुन सकते हैं बल्कि हमारे फेसबुक के पेज पर आप हमें देख भी सकते हैं, facebook.com/sunopakistan, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस ट्रैक के बाद हम आते हैं वापस और आपके मैसेजेस और कमेंट्स की जानिब बढ़ते हैं जनाब। सो पल दो पल फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक आपकी नजर करते हैं मेलोडी टाइम में। एक बार फिर खुशामदीद, ख्वाजा नजम अमीशा आपके साथ। हर बार बताना इसलिए भी ज़रूरी है, इफ़ यू जस्ट ट्यून इन आवर रेडियो, आपको पता होना चाहिए कि आप गाड़ी में जहाँ कहीं भी सफ़र कर रहे हैं आपने सुना एफ़ एम 89.4 ट्यून इन किया है। दिस इज़ द लार्जेस्ट एफ़ एम रेडियो नेटवर्क। और जनाब आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू दुनिया भर में कहीं भी हैं आप सुन सकते हैं, जिस तरह बहुत से लोग सुनते हैं। और इसके अलावा हमारी एंड्रॉयड ऐप है, वो डाउनलोड कर कर भी आप ईजिली हमें सुन सकते हैं, कहीं पर भी मौजूद हों आप, गाड़ी के अलावा भी सुना जा सकता है जनाब। इसके अलावा फेसबुक पर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/sunopakistan। इस वीडियो को देख सकते हैं इस प्रोग्राम की, और इसके साथ ही साथ आप हमारे मेलोडी टाइम पर कमेंट कर सकते हैं। मेलोडी टाइम जो स्टेटस है वहां पर आपके कमेंट्स जो हैं हम साथ साथ शामिल करते हैं। जनाब हमें ज्वाइन किया है फजल काकड़ ने, और क्वेटा से हमें ज्वाइन किया है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, शो को पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मलाखिल कहते हैं जनाब कि हम आपकी गेस्ट को वेलकम कहते हैं शो में, थैंक यू सो मच। मोहम्मद मुजम्मिल हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ख्वाजा साहब को एक बार फिर खुशामदीद कहा है मोहम्मद मुजम्मिल ने। सुमैरा राजा हैं और कहते हैं कि जी, कहती हैं जी आपका शो बहुत शौक से सुनती हूं, और इनकी फिल्म का बुध चिकन का एक गाना है, प्लीज़ वो मेरे लिए प्ले कर दें। तो ये बुध चिकन के बारे में कुछ हम बात जी मैडम नूर जी, सर कुछ बताइए। बुध चिकन के हवाले में सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आपने दोबारा इंडस्ट्री खड़ी की थी जी, वो उस वक्त चूँकि हमारे यहाँ जो गंडासा गूंज जी, गंडासा गूंज जी, तो मैं कभी भी गंडासे की आज तक ना तो मैंने कोई फिल्म लिखी है और ना मैंने बनाई है। मैं उस अहद में मुझे यूसुफ खान साहब और मलिक जूनी साहब ने कहा कि एक फिल्म हमारी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, यूसुफ खान साहब जो अदाकार हैं और जूनी मलिक बुध चिकन, वो एक मजहबी चूंकि अंदर से उनके सोल जो थी खान साहब की वो बड़ी मजहबी है, मेरे दो घंटे बोला करते थे, वो मजहब पे शूटिंग पड़ी रह जाती थी और मजहब पे बातें होती रहती, कोने वाला कमरा एवेन्यू में बाहर बैठे होते थे बरामदे में। तो वहाँ ख्वाजा साहब मुझे उन्होंने कहा तो ये एक फिल्म जो थी ये बुध चिकन ये मैंने लिखी, और फिर उसके बाद इत्तेफाक से मेरे ही नाम कोरा पड़ा और मुझे डायरेक्ट भी करनी पड़ी वो फिल्म। और उस फिल्म में जो ख़ास बात थी वो ये थी कि खान साहब की ज़िंदगी में यूँ तो बहुत सी फिल्में हैं और बड़ा लाजवाब अदाकार है, नेचुरल अदाकार है, उस बंदे ने एक फिल्म उसकी ज़िद्दी जो कभी भूल नहीं सकती, जो मेरा ताल्लुक सिर्फ ये है कि मेरे उस्ताद हंजी कादरी साहब की वो फिल्म है, और उसके बाद एक फिल्म है ये बुध चिकन जिसके बारे में मुझे उनके ड्राइवर निसार जो था वो कहा करता था कि जब वो साहिब फराज थे तो अक्सर सिर्फ बुध चिकन लगा के देखा करते थे, वो कहते थे कि मुमकिन है। और उस फिल्म का एक खासा ये है कि 13 क्रिश्चियंस मुसलमान हुए थे उस फिल्म को देख के, और जिस वक्त वो कमरे में आए थे तो खान साहब ने कहा कि यार तुम मेरे ये बंदा बैठा है क्रिएटर, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो तो ठीक है ये क्रिएटर है लेकिन हम आपके हाथ बैत होना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान में मेरे लिए ये एजाज, मेरा जिंदगी भर जितना मैंने काम किया है इससे बड़ा मेरे लिए कोई एजाज मैडम नूरजहां का गाना लगा दो। बिल्कुल जनाब, बुध चिकन का एक गाना है जनाब, और इसी गाने की फरमाइश आई है हमें सुमेरा राजा ने की है, सो दिस इज फॉर यू। और इस गाने के बाद हम आते हैं वापस, एंजॉय कीजिए। पहले जी टाइम में एक बार फिर खुशामदी जनाब, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जो आप सुन रहे हैं, और इन्हीं की मूवीज का जो आज हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में, इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद परवेज कलीम साहब जो कि बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं, बहुत ही टॉप की फिल्म्स इनके क्रेडिट पे हैं, और ख्वाजा साहब आज वो भी बहुत सी बातें जो हैं वो डिस्क्लोज कर रहे हैं जो हमें नहीं पता। अच्छा एक बात और है, हमारा एक ग्रुप है
और उसमें बाबरा है और परवेज साहब है। जब मुझे कोई काम होता है ना, जब अवार्ड्स आ गए या कुछ, तो बाबरा को अगर लेना ना, मैं परवेज कलीम साहब मुझे बाबरा चाहिए। उन्होंने कहा किस लिए, मैंने कहा अवार्ड्स की तकरीब है, उसमें अवार्ड देना भी है बाबरा ने और साथ परफॉर्म भी करना है। तो बड़ी दोस्ती है हमारी, बड़ा प्यार है। उसमें एक और शामिल है हमारे शहजाद रफीक साहब। तो बड़ा अच्छा वक्त हमारा गुजरता है। कुछ बताइए और मजीद किसके बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में और किसके वो समझ रहे थे शायद हम बाबरा के बारे में जानते हैं। ये बड़ी दोस्ती है। अपनी फिल्मों के हवाले से तो यही है कि कोशिश की है जी कि हवा के मखालिसम जो है मैं भागा हूँ जिंदगी भर। मैंने कोई गंडासा मार का फिल्म नहीं लिखी ना बनाई है, बस कोशिश ये रही मेरी कि मैं अदब और फिल्म को यकजा कर सकूं। ये मेरी जिंदगी भर की काविश है। उसमें मुझे नाकामियां भी बहुत मिली, कामयाबियां भी बहुत मिली, लेकिन यह है कि मैं हिम्मत नहीं हारा। आज के दिन तक मैं, अभी एक मैंने फिल्म बनाई है, रोमांटिक फिल्म है मेरी, रंगिश्केदा। हालांकि मैं पंजाबी फिल्म किस तरह से आप अखज करते हैं, नाम को भी सोचना, नाम स्क्रिप्ट से निकलता है, मौजू से निकलता है। एक डीप रोमांस की जब फिल्म आप लिख रहे होते हैं तो फिर उसको रंग इश्क का देना पड़ता है, और जब इश्क का रंग देना पड़ता है तो फिर जितने हमारे फोक कहानियां हैं जी वो सारी हमारे सामने, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। आपने कभी इश्क किया? जी बिल्कुल किया, क्योंकि कोई फनकार जो फनकार है और वो इश्क नहीं करता। इश्क से मुराद है वो जिसे आप एक उनसे असल में, और ये असल में कुछ इसके मामला तो और हैं, मैं इसका नहीं जिक्र करके लंबा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मोहब्बत की इश्क लाहासिल जी, इश्क लाहासिल नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि इश्क एक नहीं ना किया। अच्छा, इससे रिलेटेड इन्हीं की फिल्म का एक गाना है, एक दिलबर से आंख लड़ी, वारिस बेग का गाना, बिल्कुल दिल तो पागल है। जी जनाब, मेलोडी टाइम में आप सुन रहे हैं अमीशा और ख्वाजा नजम की आवाज़। दोपहर के इन पलों को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं आप अपने होने के एहसास से। सो आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, फेसबुक पर आप देख सकते हैं हमें, और फेसबुक पर अप्रोच करने के लिए facebook.com/sunopakistan मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब, आप लोग SMS के ज़रिए जो है हमारे आज के गेस्ट से गुफ्तगू भी कर सकते हैं और कमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब दो ऑप्शन आपके पास, कॉल्स भी मेरा ख्याल है लेंगे, लेकिन वो टाइम को देखेंगे, हम मैनेज कर सके तो हम डेफिनेटली कॉल्स भी शामिल करेंगे। सो मैसेजेस करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, और मैसेज में कोई बात, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा गाना जो परवेज कलीम साहब का आप सुनना चाह रहे हैं तो आप वो SMS कर सकते हैं 8881 पर। अच्छा, आप मैसेजेस की जहाँ बात की है तो फिर मैं शामिल भी करती चलूँ ख्वाजा साहब। जी बिल्कुल। रिदा अफजल ने हमें मैसेज किया है और कह रही हैं कि हम आज के शो में आपके मेहमान को वेलकम कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें सुनना। शाजी ने हमें मैसेज किया है और शाजी कह रहे हैं कि इनकी फिल्म का एक गाना मुझे बहुत पसंद है जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है, पल दो पल हैं प्यार के, मुझे वो गाना सुना दें और उस फिल्म के हवाले से भी कुछ हमें बताएं। ये तो परवेज साहब भी बता सकते हैं। पल दो पल में ये गाना आपने जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब से गवाया तो किस तरह से आपने, मतलब वो क्या? देखिए, ये डायरेक्टर जो थी वो शमी मारा थी इस फिल्म की, पल दो पल का मैं राइटर था जी। नुसरत खान साहब को किसी एज कंपोजर बुक करना बड़ा मुश्किल एक मरहला था, चूंकि बहुत चूजी आदमी थे वो, तो लेकिन चूंकि हमारा तरह ताल्लुक उनसे फैसलाबाद, उनके जो वाले साहब हैं उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, वो हमारे दादा उस्ताद हैं। मैंने म्यूज़िक की भी तालीम ली है बकायदा, मैं उस्ताद गुलाम हैदर खान साहब का शागिर्द हूँ, मरहूम का, जो रेडियो रिसर्च सेल में हुआ। जी जी, मुझे बहुत, वो मेरे टीचर थे म्यूज़िक के। ऐसा शख्स भी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, पूरी ज़िंदगी मेरी गुजर गई, मैं सोचता रहा कि क्या म्यूज़िक के लोग ऐसे भी होते हैं, इतने हम्बल, इतना पढ़ा लिखा। वो इंग्लिश के प्रूफ रीडर थे, आप देखिए म्यूज़िक पे उन्होंने 16 किताबें लिखी। मैं ये जिक्र इबादत समझ के कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा, बहुत प्यारी बात। तो मैं बहुत कुछ सीखा उनसे, और एक चीज़ मैंने और सीखी जो मैं आज गोश गुजार करूँगा। 1966 में उन्होंने मुझे एक फिल्म पिंडोरा इन फ्लाइंग डचमैन
की कहानी सुनाई। अच्छा। निरेट करके। अच्छा। आप यकीन कीजिए कि निरेशन का पहला असलूब मैंने उस्ताद गुलाम हैदर खान साहब से सीखा। उसके बाद मेरे एक उस्ताद थे अजीज मेठी साहब, उनसे भी मैंने सीखा जी, वो भी बहुत अच्छे खबर नईम हाशमी के वालिद नईम हाशमी साहब से मैंने सीखा कहानी सुनाने का। देखिए हमारे यहाँ ना सिर्फ ये नहीं होता कि आप कागजों पे लिख के तो लोगों को दे दें तो वो पढ़ लें, दुनिया में यही है, दुनिया में यही है, हमें निरेट करना पड़ता था एक जमाने में, फिल्म के लोगों को निरेट करना पड़ता था और निरेट करना था हर किरदार बोल के, हिरन भी बनना है, हीरो का अब्बा भी बनना है, हीरो भी बनना है, माँ भी बननी है, सब सेंटेंस चीजें बातें कहानी ये सब ऐसे कि हाँ लोग सुनना को सुनने वाले को लगे कि मैं फिल्म देख रहा हूँ, तो ये कैफियत पैदा कर। तो ये मैं उस्ताद गुलाम हैदर खान मेरे पहले उस्ताद हैं जिनसे मैंने ये कोर्स सीखा था। सही हो जाए जनाब हो जाए। और अब आप सुनेंगे फिल्म पल दो पल हैं प्यार के, नुसरत फतेह अली खान साहब का बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपके कानों में रस खोलने के लिए। मैनेजर टाइम में खुश आमदीद जनाब एक बार फिर, और आप लोगों ने ट्यून इन किया है सुन एफएम 89.4 ख्वाजा नजम लाहौर स्टूडियो में, और अमीशा आपसे मुखातिब। हमारे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब, जो कि स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और वो सारी चीज़ें जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, एक बड़ी सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं, उनके पीछे जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े नाम होते हैं, उनको हम लेकर के आते हैं। हमारे राज बताऊँ इनका जी, ये इनके पास एक बेहतरीन लाइब्रेरी है, उफ ऐसी ऐसी किताबें जो किसी के पास नहीं है। अच्छा। और जी हाँ, आप जरा पूछिए ना इनसे, बताइए इसके बारे में कुछ। जिंदगी में हर बच्चा देखिए कुछ खेलता है जी, कोई गेम खेलता है, मैंने जिंदगी में कोई गेम नहीं खेली, मैंने बच्चों की दुनिया से पढ़ने का आगाज किया। अच्छा। और फिर मैंने सारा लिटरेचर पढ़ा, मैंने बड़े ज़ग़ीर में जितने छपने वाले हैं अलेक्जेंडर पुश्किन और मैक्सिम गोर्की, इनको भी रशियन लिटरेचर पढ़ा, मैंने फ्रेंच लिटरेचर पढ़ा, मैं पढ़ता ही रहा, और किताबें मेरा शौक हैं, मेरा जुनून है। वाह। किताबें ही मेरे कमरे में आप आए तो आपको अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा यार ये या तो बड़ा गरीब आदमी है या जिसके ये पास सिर्फ किताबें हैं, सिर्फ किताबें रखी हैं, किताबों से मोहब्बत है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, और है भी कुछ नहीं बाकी, बस वो किताबें ही हैं मेरा सरमाया। कुछ बड़े बड़े लोगों के उन्होंने लिख के मुझे अपने हाथों से किताबें कुछ दी हुई हैं, मेरे पास बहुत सी मुरीद न्याजी साहब की किताबें हैं, मेरे पास मसन नकवी और बड़े लोग हैं। तो मेरे ख्याल इनसे ये ना कहें कैमरे के लेंस में कहें, लोगों से अपील करें कि दोबारा से पढ़ाई करना शुरू करें। देखिए ख्वाजा साहब, मुझे तो दुख होता है जब मैं जूते शोकेसों में देखता हूँ, किताबें फुटपाथों पर, बिल्कुल मुझे बड़ा ये कर्ब से गुजरता हूँ मैं, हमें चूँकि किताब से लोग जो हैं वो भाग के बच्चे जो हैं वो गूगल पे चले गए हैं, और यकीन कीजिए गूगल में सारी बातें सच नहीं होती, नहीं होती और अधूरी भी होती हैं जी, बिल्कुल, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उनको पता चलता है मुकम्मल तौर पे कि पढ़ाई में और ये गूगल में कितना फर्क है, लेकिन किताब से रूठे हुए हैं बच्चे। मेरी दरख्वास्त है आप इस प्रोग्राम की तवज्जो से, हाँ बिल्कुल, के खुदारा किताबों से नाते रबते दोस्ती जोड़िए, चूंकि ये ही है जो सच्ची बात है, जो इंसान की सच्ची साथी है। आपकी इसी खूबसूरत बात की वजह से मैंने खुद, मैंने बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर देखा है कि वाकई में शोरूम पे ऊंची ऊंची जगह पे जो है वो जूते रखे हुए होते हैं और जमीन पर जो है वो कपड़ा डाल के जी, और वो बुक्स रखी हुई होती है। अच्छा, इनकी एक और फिल्म आई थी बाजारे हुस्न सरदार भट्टी साहब की थी, और उस वो फिल्म बहुत चली थी, उसमें सलमा आगा और साथ समीना पीरजादा भी थी, नदीम भी थे, तो कुछ बताएंगे फिर आगे वो फिल्म का गाना देखें। देखिए बाजारे हुसन उसमें जो खूब जो एक मैंने जो अपनी तरफ से काम किया था, कहानी तो थी ही लेकिन उसमें जो एक नई कहानी थी, उसमें एक जो बात थी वो ये थी कि ये मैंने फिल्म उर्दू मोहल्ला में लिखी थी। अच्छा। मुरस्सा उर्दू में, उस वक्त मुरस्सा का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो था बड़ा अजीब था, बिल्कुल, लेकिन वो चूंकि कोठे से रिलेटेड थी बीच में बात, तो वो उस अहद की चीज़ें थी, कुछ बातें थी, तो वो उसमें लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया
अच्छा। कि मेरे मकान में लोगों ने याद किए, उसकी कैसेट जो है बाजारों में आई उस फिल्म की, और लोगों ने मकान में जो है वो लोगों ने सुने, क्योंकि फिल्म देखते हैं लोग, लेकिन उसमें मकाल में सुने गए, और उसका हाईलाइट भी देखा जाए तो मकाल में बने। उसमें जो और एक खास बात थी वो ये थी कि उसके शायर मुनीर नियाजी साहब थे, उसके गीतकार, उसके गीतकार जो थे वो कतील शफाई साहब थे, उसके गीतकार हबीब जालिब साहब थे, उसके गीतकार जो थे वो मोहसिन नकवी थे। तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी का एक लास्ट में गाना था जहाँ सुसाइड कमिट करने के लिए जाता है नदीम डिसहार्ट होके अपने फिल्म डायरेक्शन से, तो पीछे से एक आवाज आती है, तुझको लहरों की तरह तुझको बिखरने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन तुम्हें मरने नहीं, महनाज के महनाज। और इसके साथ ही मेरे ख्याल हम वाइंड अप भी करें और इनसे कोई मैसेज ले लो इससे पहले कुछ आप अगर कहना चाहें नए जो इस फिल्म में आना चाह रहे हैं नए लोग, और स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, लिखना लिखाना इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, सो आप कोई मैसेज दीजिए हमारी। देखिए जी, आप एक्टर पैदा कर सकते हैं जी, आप डायरेक्टर पैदा कर सकते हैं, करके सीख सकते हैं, लेकिन आप लिखना जो है, जो कलमकारी है, ये वदियत है, परवरदिगार जब तक खास एक अंदर ना लगा दें। और ये जो नई नस्ल जो लिखना चाहती है या कोई एक्टर बनना चाहता है या कोई, तो इसके लिए सिर्फ एक ही बात है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, सही ठीक है, पैशन और मेहनत अगर आपकी सच्ची है तो दुनिया की कोई आपको अल्लाह के सिवा शिकस्त नहीं दे सकता। अच्छा परवेज साहब, एक आखिरी सवाल जी जी, आजकल के आप ड्रामे देखते हैं, आप मुतमईन हैं उनसे? देखिए मैं तो अपने खुद से मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, ये सच है ख्वाजा साहब, लोग कहते हैं आप किसी से पूछेंगे वो यही कहेगा हाँ जी मैंने फलां फिल्म, मेरा फलाना नावल, मेरा फलां, मैंने दो किताबें भी लिखी हैं आपकी द्वारा। जी जी, किस्सा ये है कि मैं तो आज तक मुतमईन नहीं हूँ, शायद वो काम जो मैं करना चाहता हूँ वो शायद अभी तक मेरे अंदर ही है, कुछ निकास हुआ है, लेकिन वो यूं कह लीजिए कि जैसे सोते ऐसे फूट पड़ते हैं ना, तो एक चश्मे की सूरत, एक धारे की सूरत जो है वो नहीं, अंदर कसक बाकी है, कसक बाकी है। मैंने अभी एक ताज़ा तरीन एक फिल्म जो है, एक स्क्रिप्ट जो है मुझे सूझा है, कुर्सी वाली उसका उन्वान है, और आप यकीन कीजिए कि पिछले दो फिल्में मैं बना चुका हूँ, वो मैंने दो तीन आदमियों को सुनाया है लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की अभी तक, वो फिल्म जो है वो उसके लिए मुझे कोई फाइनेंसर नहीं मिल सका। चलिए जी, इंशाल्लाह जल्दी ये रिवाइवल होगा जनाब सिनेमाज का भी, और उसी तरह से जो है वो हिट पे हिट मूवीज जो है। ये बात मैं जरूर करना चाह रहा था, शायद ये मेरा ख्याल है हमारा फ्यूचर है इस बात में छुपा हुआ, कि ये जो सिनेमा है ना, सिनेमा अल्लाह करे खुल जाएगा, आज नहीं कल नहीं, छः महीने में, दो महीने में खुल जाएगा और माहौल बन जाएगा। अभी लोग जो हैं रुझान नहीं है, लोगों ने आर्टिनेट तलाश कर लिए हैं घरों में, तो अब वो फिर दोबारा से सिनेमा की तरह रुझान साजी होगी। डेढ़ बरस हो गया ख्वाजा साहब सिनेमा बंद है, सही बात है, सिनेमा एक सूरत में चलेगा। इन लोगों को शिकायत है कि सिनेमा जो है उस तरह सर्वाइव नहीं कर रहा, लेकिन ये भूल गए हैं कि इन्होंने एलीट क्लास के लिए सिनेमा मुख्तस करके ले मैन को जो है वो खारिज कर दिया है सिनेमा से, और जब तक ले मैन को ये दोबारा नहीं बुलाएंगे, नहीं उसको इनवाइट कर सकेंगे, इनके सनमस कभी नहीं चलेंगे। अच्छा मैडम नूरजहां भी यही कहा करती थी, कहती मेरे हाँ मेरी क्लाइंटल वो जो छिल्ली बेचने वाला है वो रात को फिल्म देखने आता है, चौवनिया अठनिया वही फेंकते हैं, गैलरी वाले नहीं फेंकते किसी अच्छे डायलॉग पे। इतनी बड़ी आर्टिस्ट मैडम नूरजहां का ये बहुत प्यारी बात जनाब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आपने वक्त दिया सुनो फिर मेरी 9.4 के लाहौर स्टूडियो को, बहुत शुक्रिया हमारे इस नेटवर्क पे, आपकी खूबसूरत बातें, खूबसूरत कन्वर्सेशन ऑन एयर गई है। आई एम श्योर कि आपने भी ये जो वक्त आपका और हमारा गुजरा है इसकी जो मिठास है वो महसूस की होगी। जी बिल्कुल, मैंने तो बहुत सीखा इनसे, इनकी बातों से। आपको सलामत रहें, आप तो
उस्ताद आदमी हैं जी। शुक्रिया बहुत यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। आप सब लोगों से मीशा और ख्वाजा साहब भी इजाज़त चाहेंगे। हम गुफ्तगू को मज़ीद प्रोलोंग करना चाह रहे थे लेकिन बातें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, वक्त ख़त्म हो जाता है। सो इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में किसी नए सितारे से मुलाकात होगी, बल्कि हम करवाएंगे ऐसे सितारे से मुलाकात जिनको आप हमेशा टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, सिनेमाज में देखते हैं, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे। सो तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं इजाज़त। ख्वाजा नजम हसन और अमीशा को, और बाजार हुस्न का ये गाना जो महनाज ने गाया, तुझको बिखरने नहीं दूंगी, बहुत खूबसूरत गाना है, और इसी गाने के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। Time.